हाय, मैं हूं जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। टेक गाइड पे आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में टेक न्यूज़ है, कुछ मज़ेदार टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आ रही है अमेज़न की तरफ से, अमेज़न एक नया एक सर्विस खोला है जो है अमेज़न फ्रेश पिकअप। इस पर फ्रूट, सब्जी, खाना ये सब डिलीवर करेगा कार पे। इंडिया में नहीं है, फॉरेनर देश पे ये सब करेगा। बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है कि नोबिया का Z17 अमेज़न पे 6 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, अब जाके खरीद सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट पे। अगला अपडेट है मोटो एक्स 2070 का कुछ फोटो लीक्स होके आया है, आप देख सकते हैं। इस पर डुअल कैमरा का ऑप्शन रहेगा। तो अब बढ़ते हैं अगला अपडेट। अगला जो अपडेट है गूगल मैप के लिए, गूगल मैप में नया अपडेट वर्जन आने वाला है जो रियल टाइम लोकेशन को आप शेयर कर सकते हो या ट्रैक भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ऐसा कुछ ऑप्शन निकल कर आने वाला है नए अपडेट पे। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट। अगला अपडेट है माइक्रो मैक्स 12.5 जो नया फ़ोन लॉन्च होने वाला था, मैंने बताया था डुअल कैमरा वाला। उस फोन लॉन्च हो चुका है 10 अप्रैल को, शायद अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सेल आने वाला है, जाए खरीद सकते हो। अगला जो अपडेट है कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट है। आप सोच सकते हो कंप्यूटर कितना छोटा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे मोबाइल की तरह आपके सामने जो स्क्रीन पे जो पिक्चर है वही एक दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है। आविष्कार, नया आविष्कार है। अब दुनिया कितना तरक्की कर चुके हैं आप बूझ सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगले। अगला जो अपडेट है सैमसंग A8 और A8 प्लस के बारे में, कल रिलीज हो चुका है। इसका वार्डर प्री वार्डर हो रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इसमें सभी तरह का सेंसर मिल जाएगा और A8 का डिस्प्ले 5.8 इंच और A8 प्लस का 6.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। अगला अपडेट बहुत ही मज़ेदार है। जियो की हालत बहुत ही खस्ता हो चुका है क्योंकि प्राइम मेंबरशिप सिर्फ 13 मिलियन लोग ही एक्सेप्ट करा है। 122 मिलियन कस्टमर पे 13 मिलियन कस्टमर सिर्फ एक्सेप्ट किया है प्राइम मेंबरशिप को। तो जियो का घाटा चल रहा है। अगली प्लान जियो का क्या होगा देखते हैं। अगली जो अपडेट है ये भी बहुत मज़ेदार अपडेट है। बहुत दिनों से बात हो रही है कि आधार कार्ड की डिटेल्स सिक्योर नहीं है, लेकिन सरकार बोली है जो आधार कार्ड की डिटेल्स सिक्योर रखा है। ऐसे में खबर आ रही है धोनी की आधार कार्ड की डिटेल्स लीक हो चुकी है, तो सरकार बोल रही है जो ठोस कदम लिया जाएगा। तो देखते हैं कैसा ठोस कदम होता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।